दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय द सिंगला ऑफिस बेकर्सफील्ड फॉर ऑल योर इमिग्रेशन फैमिली लॉ नीड्स कॉल और स्कैन QR कोड टू कॉन्टेक्ट अस रोडिस इंक मिलियन माइल्स विद स्माइल और स्कैन QR कोड टू कॉन्टेक्ट अस फ्लैंगबर्ड ट्रक रिपेयर ट्रस्ट वी बिल्ड इन ट्रक रिपेयर और स्कैन QR कोड टू कॉन्टेक्ट अस द मसाला ट्विस्ट ऑक्सनर्ड फाइन ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन और स्कैन QR कोड टू कॉन्टेक्ट अस पिज्जा ट्विस्ट टेस्ट विद ट्विस्ट ऑर्डर टूडे कॉल और विजिट वेबसाइट और स्कैन QR कोड टू कॉन्टेक्ट अस न्यू इंडिया मार्केट एंड द्वाबा स्वीट ट्रेसी और स्कैन QR कोड टू कॉन्टेक्ट अस ताबा इंडियन क्यूजीन Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy or scan QR code to contact us. Bila Market scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza scan this QR code to contact us. Appa Kadahi made and served with love. Scan this QR code to contact us. The App Store. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered California Certified Agency Manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text. सत श्री अकाल स्पीड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब विच लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। जलंधर जिले में एक एक करके डेंगू पॉजिटिव मरीजों की गिनती हर रोज बढ़ रही है। डेंगू के तीन होर पॉजिटिव केस मिलने नाल जिले में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की गिनती 66 तक पहुंच गई है, जिन्हों में 44 मरीज शहरी और 22 देहाती हल्कों के रहने वाले हैं। जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य पाल ने दसिया है कि डेंगू के शकी 16 मरीजों के सैंपल टेस्ट किए गए, इन्हों 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले के पॉजिटिव आने वाले मरीजों में गदाईपुर का 43 साल मर्द, नूरपुर कलोनी का 24 साल नौजवान, न्यू दियोल नगर की 27 साल लड़की शामिल, जदों के तीन मरीज किसी होर जिले के रहने वाले पाए गए हैं। डॉक्टर आदित्य ने यह भी दसिया है कि सेहत विभाग दियां एंटी लार्वा टीमां ने बीते दिन कई घर सर्वे भी किया है। उन्होंने 9 थावां ते डेंगू बुखार फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा मिले। लुधियाना जिले के 20 निजी ते सरकारी स्कूलों में 11 अक्टूबर को रिहर्सल वाले दिन ते प्री पोल डे मतलब 14 अक्टूबर को छुट्टी कराने के हुक्म जारी किए गए हैं, जदों की 15 अक्टूबर को पंजाब के पंचायती चोणां होने कारण पंजाब भर में छुट्टी। इन हुक्मों में स्कूलों की जारी लिस्ट विद्यार्थियों छुट्टी करने का स्पष्ट कारण दसने के नाल यह भी किया गया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी तरह प्रभावित न हो, इसलिए प्रिंसीपलों यह हिदायत करने को कहा गया कि छुट्टी वाले दिनों में बच्चों की ऑनलाइन क्लासा लगवाउण। अमरीका के कोलोराडो च एक प्रमुख सैर सपाटा स्थान वजो वरती जा रही एक पुरानी सोने की खान च लिफ्ट खराब होने कारण कई घंटे तक जमीन के हेठा फसे 12 लोगों को देर रात सुरक्षित कढ लिया गया। अधिकारी ने दसिया कि इस हादसे च हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। टेलर काउंटी के शेरिफ जैसन माइकसेल ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दसिया कि क्रिपल क्रिक शहर नेड़े मौली कैथरीन गोल्ड माइन च लिफ्ट हेठा जा रही थी, पर सत्ता तो लगभग 500 फुट हेठा इस मकैनिकल समस्या पैदा हो गई, जिस कारण लिफ्ट में मौजूद लोग फस गए तो उन्होंने एक की मौत हो गई। पंजाब दी पंचायती चोणां नूं लैके वड्डी अपडेट है। पंजाब सरकार 206 पंचायतों से हाई कोर्ट वालों रोक लाए जाने के मामले च सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेगी। पंजाब सरकार ने 206 पिंडां दी पंचायतों की चोण ते रोक नूं लैके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च ही अर्जी दाखिल की है। सरकार ने हाई कोर्ट तो मामले 14 अक्टूबर को सुनवाई की मांग की, दस दिए कि लंघे बुधवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चोणां लई नामजदगियां दौरान धांधलियां के मद्देनज़र दाखिल करीब 250 पटिशनां वाली पंचायतों की चोण प्रक्रिया से रोक लगा दी। फिलहाल पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट च ही अर्जी दायर करके मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर को करने की मांग की है। इस संबंधी अज हाई कोर्ट च अर्जी दायर की गई है। हाल ही हरियाणा विधानसभा चोणां खत्म हुई हैं, चोण कमिश्न ने 8 अक्टूबर नतीजों का ऐलान किया। इस बार फिर भाजपा ने हैट्रिक लगा के सरकार बनाई, इसके नाल ही कांग्रेस एक बार फिर हरियाणा च अपनी सरकार बनाने च नाकाम रही है। इन चोण नतीजों ने एक बार फिर पार्टी लिए चुनौती पेश की है। रोहतक जिले के सबका विधायक बलराज कुंडू इस चोण च हार का सामना करना पे, अपनी हार तो बाद उन्होंने धियां लई मुफ्त बस सेवा बंद कर दी है। बलराज कुंडू ने पिछलियां विधानसभा चोणां जितने बाद धियां लई मुफ्त बस सेवा शुरू की, इस सेवा खास तौर पर विद्यार्थियों की सुरक्षा और सहूलत लई बनाई गई थी। आर्जिकर केस खिलाफ कलकत्ता च मरण वर्त से बैठे यूनियन डाक्टरों च एक की सेहत बिगड़ गई, इस तो बाद देर रात उन्होंने तुरंत आरजी के हस्पताल च भर्ती करवाया गया। बीमार होने वाले डाक्टर का नाम अनिकेत महतो है। यूनियन डाक्टर देर रात तो मरण वर्ते ने अंदोलन का समर्थन कर रहे सीनियर डाक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने दसिया कि अनिकेत महतो की हालत बिगड़ गई है, उसकी हालत फिलहाल ठीक नहीं है, उसनों आरजिकर हस्पताल लिजाया गया तो ICU दाखिल किया गया। पिछले 2 महीनों तो महतो से कुछ होर आरजिकर जबर जनाह के कतल केस की पीड़ता इंसाफ की मांग को लैके अंदोलन च सब तो अगे।
पाकिस्तान एक बार फिर गोलीबारी नाल हिल गया। पाकिस्तान के बलोचिस्तान च वड्डा हमला होया। हथियारबंद बंदूकधारियों ने बलोचिस्तान के कोलियां की खान से हमला किया। 20 लोगों को गोलियां मार के मार मुकाया। इस गोलीबारी च 7 होर लोग जख्मी हुए ने। दरअसल अशांत बलोचिस्तान सूबे च हमला जिहे समय च होया जो राजधानी च एक वड्डा सुरक्षा सम्मेलन होने वाला। पुलिस अधिकारी हुमायूं खान नासिर ने दसिया कि बंदूकधारी दे राज डूकी जिले च कोले की खान च बने घर च दाखिल हुए। इन्होंने लोगों को घेर लिया से गोलियां चला दी। मारे गए ज्यादातर लोग बलोचिस्तान के पश्तून बोलते इलाकों के। जदों तो मुहम्मद यूनिस की सरकार बंगलादेश में सत्ता में आई, हिंदुओं विरुद्ध अत्याचार बढ़ गए ने। बंगलादेश पीएम मोदी वालों यूनिस सरकार को दिए विशेष तोहफे को भी सही ढंग से संभालिया नहीं गया। दरअसल बंगलादेश के जैशोरेश्वरी मंदिर तो देवी काली का कीमती ताज चोरी हो गया। ताज इसलिए खास है क्योंकि 3 साल पहला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफे में दिता से। दरअसल बंगलादेश के सतकीरा के जैशोरेश्वरी मंदिर तो देवी काली का मुकुट चोरी होया। रिपोर्टा मुताबिक यह ताज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 अपनी फेरी दौरान दिता। महादेव सट्टा ऐप के किंगपिन सौरव चंद्राकर दुबई च हिरासत ले जाने की खबर है। सूत्रों मुताबिक यह कार्रवाई इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बेनती से जारी इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस तहत की गई है। यूएई के अधिकारियों ने सौरव चंद्राकर की हिरासत बारे भारत सरकार से सीबीआई को सूचित किया। उसकी हिरासत की खबर तो बाद हूँ उसकी हवालगी की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। दसा जा रहा है कि सौरव चंद्राकर जल्द ही भारत लिया जाएगा। यह भी दसा गया कि सौरव चंद्राकर दिसंबर 2023 च यूएई च हिरासत लिया गया से, उदों तो दुबई पुलिस की हिरासत है। भारत सरकार अपने राज के नागरिकों लिए वख-वख तरह की स्कीमां चलाउंदी है। देश के करोड़ों लोग इन योजनावां का लाभ लै रहे हैं। सरकार वख-वख लोगों को ध्यान च रख के स्कीमां लियाउंदी है। भारत में अजे भी अजिहे बहुत सारे लोग ने जो दो वक्त की रोटी लिए भी निर्भर रहते हैं। अजिहे लोगों को सरकार वालों सहायता प्रदान की जाती है। सरकार इन लोगों लिए मुफ्त राशन स्कीम चलाउंदी है। कोरोना समय दौरान भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इस तहत देश के करोड़ों लोगों को फायदा होंगे। हुण सरकार ने स्कीम 5 साल लिए वधाउण का वड्डा फैसला लिया। इजराइल के दो पक्षी हवाई हमलों ने लिबनान को डरा दिया। हुण तक लिबनान में इजराइली फौज वालों किए गए हवाई हमलों में हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ। इस दौरान गाजा में 28 लोग मारे गए। इजराइली फौज ने उत्तरी गाजा में जबालिए शरणार्थी कैंप को घेरा पाले। रिपोर्ट मुताबिक इजराइली फौज ने उत्तरी गाजा के जबालिए शरणार्थी कैंप की घेराबंदी की है। कैंप में मौजूद गाजा के सिविल डिफेंस नाल एक एंबूलेंस मुहताज अयूब ने दसिया कि पिछले 6 दिनों तो उत्तरी गाजा में जबालिए शरणार्थी कैंप में इजराइली फौज वालों चारे पास तो घेराबंदी की हुई। इस ही इजराइली हवाई बमबारी ड्रोन हमले तोपखाने की गोलीबारी भी की जा रही है। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इतना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।